चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। 5 राज्यों में आज विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई है। इसी के साथ ही 5 राज्यों में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का श्री गणेश भी हो गया है। बता दें कि मतदान 10 फरवरी से होगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों का सियासी तापमान बढ़ चुका है। चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा। यूपी में पहले फेज का मतदान 10 फरवरी को होगा, दूसरे फेज का मतदान 14 फरवरी को होगा, तीसरे फेज का मतदान 20 फरवरी को होगा, वहीं 23 फरवरी को चौथे फेज का मतदान होगा और 27 फरवरी को पांचवे फेज का मतदान होगा। यूपी में छठे फेज का मतदान 3 मार्च को होगा, वहीं सातवें और आखिरी फेज का मतदान 7 मार्च को सम्पन्न होगा। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही फेज में चुनाव कराए जाएंगे। 14 फरवरी को तीनों राज्यों में मतदान होगा। मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 27 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा और 3 मार्च को दूसरे चरण का मतदान होगा। चुनाव आयोग ने आज से 15 जनवरी तक रोड शो, रैली, साइकिल रैली, पदयात्रा सभी पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। 15 जनवरी के बाद इस पर विचार किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोरोना काल में सुरक्षित चुनाव कराने के लिए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को इसके लिए अहम जिम्मेदारी भी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। नमस्कार, मैं हूँ अमन यतन वर्मा। हेलो, आई एम ऋतु सिंह। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबेरॉय। नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। हाय, दिस इज संचिता बनर्जी। Expose India.